नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए बहुत से देशों को लॉकडाउन करना पड़ा। हमारे देश भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण देश के लगभग सभी कार्य रुक गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को भी जोरदार झटका लगा है। 2021 में होने वाला महाकुंभ पवित्र नगर हरिद्वार में होना है। महाकुंभ में देश और विदेश से लगभग 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से लगभग सभी निर्माण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, इसलिए महाकुंभ परियोजना को समय पर पूरा करने पर संदेह है, क्योंकि अब केवल 9 महीने का समय बचा हुआ है। इस 9 महीने में अस्थाई और स्थाई परियोजनाओं को पूरा करना लगभग असंभव सा लगने लगा है, जैसे घाटों का निर्माण, निर्माण पुल और इसके अलावा सबसे बड़ा कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर शेष काम को पूरा करना। दोस्तों, 2021 महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 2021 महाकुंभ के लिए 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी तीर्थयात्री को पर्याप्त जगह मिल सके, जबकि 2010 में हुए महाकुंभ के लिए मात्र 630 हेक्टेयर क्षेत्र तैयार किया गया था। ऐसा पहली बार होगा जब हरिद्वार महाकुंभ इतने बड़े क्षेत्र में सम्पन्न कराया जाएगा। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र, विशेषकर गौरीशंकर 1 व गौरीशंकर 2 में मेले से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के निर्देश देते हुए कहा कि गंगा पर अस्थायी तौर पर स्नान घाट बनाने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आदेश फरवरी महीने में ही दे दिए थे। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र गौरीशंकर 1 और गौरीशंकर 2 को कनखल से जोड़ने के लिए यहाँ पर अस्थायी पुल की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने जानकारी दी है कि फिलहाल कुंभ मेला में कुल 42 अस्थायी पुल बनाए जाने का प्रस्ताव है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी तैयारियों को तभी समय पर पूरा किया जा सकता है जब हम कोरोना महामारी को अपने देश भारत से भगा देंगे। महाकुंभ के आयोजन को हम सभी तभी धूमधाम से मना पाएंगे जब हम कोरोना पर विजयी होंगे। इसलिए मैं आप सभी से फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपने परिवार के साथ घर पर ही रहें और अपने सभी दोस्तों को भी घर पर रहने के लिए बोलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में हरिद्वार कुंभ से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माता।